हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जीते हुए। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने कोरोना सर्टिफिकेट में कोई भी कमी हो या फिर कोई भी गलती हो तो उस गलती को कैसे सही करें। आपने कोवैक्सीन लगवाया, उसमें जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो कुछ लोगों का करेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपका मोबाइल नंबर कोई और पड़ गया है या फिर नाम में गलत हो गया है, जल्दी जल्दी में नाम गलत हो जाता है, या फिर आपने ट्रैवलिंग के बारे में कुछ गलत कर दिया है, जैसे कि पासपोर्ट नंबर गलत हो गया है, कुछ भी गलत हो गया है, तो उस सर्टिफिकेट में हम करेक्शन कैसे करें उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करेंगे तो सिंपली आपके सामने खुल के आ जाएगा गूगल। गूगल देखिए, इसमें सर्च इंजन में आपको सर्च करना है कोविन। क्या सर्च करना है? कोविन, COWIN, COWIN.gov.in। दोस्तों ये सर्च करना है। अगर ज़रूरत हो तो मैं इसका लिंक नीचे डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन में खोल रहे हैं तो आपको एक और काम करना है जो ज़रूरी है। आप ये ऊपर थ्री डॉट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। आप डेस्कटॉप साइट ओपन कर चुके हैं, इसके बाद आपको सिंपली देखिए ऊपर दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन एवं साइन इन। ये देखिए दे रहा है रजिस्ट्रेशन साइन इन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। तो ये है मोबाइल नंबर, इसमें हम मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पे टैप करेंगे। गेट OTP पे टैप करते ही आपके फ़ोन पे जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो OTP आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें अपना नंबर डाल के OTP भरता हूँ। मोबाइल नंबर डाल दिया, अब OTP का इंतजार कर रहे हैं। देखिए OTP आ गया है, मैं इसमें OTP डालता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने अपना OTP डाल दिया। जैसे ही हम OTP डालेंगे तो आपका पूरा खुल के आ जाएगा, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, कब लगवाई है। ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखिए आपको ऊपर देखना है, ऊपर क्या लिखा है, इस राइज एंड इशू। देखिए यहाँ लिखा है राइज एंड इशू, आपको राइज एंड इशू पे टैप करना है। टैप करेंगे तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम होगा उसको यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे आपको कुछ चेंज करना है, करेक्शन करना है, तो राइज एंड इशू पे टैप कर देंगे। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि आपको इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। करेक्शन इन माई सर्टिफिकेट रिजिडिंग नेम एज जेंडर फोटो, इसमें नेम एज जेंडर फोटो चेंज कर सकते हैं। मार्ज टू डोज, सेकेंड डोज वाला सर्टिफिकेट गलत हो गया है उसको सही कर सकते हैं। एड पासपोर्ट डिटेल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट डिटेल इसमें भर सकते हैं अगर कुछ गलत हो गया है तो। ठीक है, रिपोर्ट अननोन मेंबर रजिस्टर्ड विद माई कोविन अकाउंट। देखिए आपके मोबाइल नंबर से अगर किसी गलत इंसान का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र अ मेंबर टू न्यू मोबाइल नंबर, देखिए आप अपने मोबाइल नंबर को किसी और मोबाइल नंबर से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ से हो जाएगा। जनरेट योर फाइनल सर्टिफिकेट, अपना फाइनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और रिवोक वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे अपने नाम में चेंज करना है तो मैं ऊपर वाले पे टैप करता हूँ, नेम एज जेंडर फोटो। ठीक है, जैसे ही मैंने टैप किया सेलेक्ट मेंबर, यहाँ से सेलेक्ट मेंबर कर लेना है, मेरा नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसमें कहाँ चेंज करना है, जो भी चेंज करना होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे तेज प्रताप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपके नाम में कुछ भी गलत हो गया तो यहाँ से चेंज पे टैप करेंगे और यहाँ पे जो करेक्शन करना है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल, किस चीज़ की, फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड की आईडी का अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अपलोड पे टैप करेंगे और अपना आधार कार्ड ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा जो भी नया करना होगा। कम से कम 24 घंटे लग सकते हैं अपडेट होने में। ठीक है, तो ऐसे करना है अपडेट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है मैंने उस पर वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। थैंक यू।